आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं भोपाल। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग अचानक से कहाँ कहाँ चल देते हैं। एक्चुअली हस्बैंड के ऑफिस में कुछ काम है, हर जगह ऑफिस है। मजाक कर रही हूँ, सच में जा रहे हैं हम लोग और मस्ती करते हुए जाएंगे। भोपाल का भी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे क्या क्या है। आप लोगों ने देखा ही होगा, भोपाल वालों ने तो देखा ही होगा। और मैं आपको आज कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही होगी। हस्बैंड को मैं आधा दिखाऊंगी क्योंकि बहुत जल्द वो आ जाएगी मेरे वीडियो में। मतलब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ इस तरीके के रैंडम प्लान्स में। हालांकि हस्बैंड मुझे ले चलते हैं अपने साथ, कभी छोड़ के नहीं जाते हैं कि अरे भाई अकेले क्या करेगी, मैं तो ऑफिस के काम से जाता रहता हूँ। वैसे तो बस एक दिन का काम है, आज हम लोग जा रहे हैं और कल वापस भी आ जाएंगे। मध्य प्रदेश की एक खास बात है, पूरा का पूरा हाईवे ही है, जंगल झाड़ी। वैसे तो यहाँ इतने जंगल पड़े ही नहीं भोपाल जाने के रास्ते, लेकिन आम दिनों में पड़ते रहते हैं। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम भोपाल जा रही हूँ। अब क्योंकि बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी इसलिए गाना लगा दूंगी। और फिर देखते ही देखते आ गया अपना भोपाल। और सबसे पहले तो मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है, भूख है पेट। नहीं मैंने खाया था लेकिन भूख लगती है दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही। क्या मैं इसके आलू प्याज चुरा लूं? भगवा और पता ही नहीं चला थोड़ी ही देर में आ गया हमारा होटल। और इतना वेलकमिंग था कि आते ही मुझे पिला दी बढ़िया बढ़िया स्ट्रॉबेरी ड्रिंक। बहुत अमीरों वाली फीलिंग आ रही थी, हालांकि मैं अमीर ही हूँ, ऐसा वो बहुत गरीब नहीं हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट्स मिल जाए तो क्या दिक्कत है भाई, मजा आ जाती है। फिर बहुत ही गली कूचो से होके हमारा रूम था। रूम में आए तो सबसे पहले तो मैं हाइजीन देखती हूँ साफ सुथरा है कि नहीं, और देखा कि बहुत सही है। वैसे तो एक ही दिन के लिए रुकना था इसीलिए कोई बहुत बड़ा रूम नहीं लिया, वरना मैं हमेशा स्वीट ही। सारा सामान छोड़ छाड़ के हस्बैंड पहले वॉशरूम भागते हैं, मैंने कहा रिकॉर्ड हो जाओगे भाई भागते हुए। ट्विन बेड देख के आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया भाई, लड़ाई हुई थी इसीलिए मैंने ही बुक किया है। क्या कर रहे हो? कॉफी। इतना नहीं, क्या कितना पानी डाल दिया? थप्पड़ वाले नॉर्मल रहे। Can you recognize me? I am looking like Amitabh Bachchan. मजाक कर रही हूँ। ये क्या कर रहे हो? कहाँ कहाँ कहाँ? मेरे फोन में स्पेस नहीं है। कबर्ड के अंदर। My goodness, this close. स्टेविया मिल गया, ये देखिए स्टेविया, स्टेविया मिल गया। अभी मैं इसको डालूंगी। एक काफी है। पूरा मत भरना बस। मेरे तो वाइट कॉफी रखने सर। हैव हस्बैंड कॉफी। बाहर जा सकते हैं क्या? बाहर नहीं जा सकते। जा सकते होंगे। दोस्तों मैंने जानबूझ के ट्विन ब्रेड वाला करवाया क्योंकि हस्बैंड जो है वो लड़ते रहते तो उनके लिए सजा है, अलग अलग सोएंगे। खैर अपने लिए कॉफी बना रही हूँ और थोड़ी अच्छी कॉफी आप देख सकते हो कॉफी बन रही है, खुद ही बंद हो गया, इतना गर्म हो गया। मैं अपनी कॉफी बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ।
दोस्तों एक में मेरा मन नहीं भरता है इसलिए मुझे दो दो पाउडर दूध डालना पड़ता है दोस्तों। सो दिस वन इज माय कॉफी। देखो ना एक बार। हस्बैंड एक बार में कोई काम नहीं करने देते और मेरी कॉफी बन गई है, पीने जा रही हूँ बादशाह पी के देखो। चीनी तो पड़ी नहीं है, चीनी डालनी होगी। मैं तो यहाँ बैठ के कॉफी पीऊंगे। दोस्तों इतनी लंबी जर्नी के बाद कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है और रोशनी का थोड़ा तकाजा है। होटल्स में तो बहुत कम लाइट होती है। अभी मैंने बाल बांध लिए क्योंकि बहुत ही फ्रिजी फ्रिजी सा हो रहा था। लेट मी एंजॉय माय कॉफी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं भूखी रहती हूँ और भूखी ही थी तो हम लोग निकल गए होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। मैंने सोचा था कि भीड़ भड़कता रहेगा रेस्टोरेंट में, आंखें ठंडी होंगी, कोई दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सब तो गायब ही थे, अकेले जाके बैठ गए। कसम से बता रही हूँ मेनू तो बस नाम का था। मैंने जो चीज ऑर्डर करी वो तो इनके यहाँ थी ही नहीं। बहुत गुस्सा आ रही, वो सब तो है ही और बाहर से मंगा भी नहीं सकते। मतलब इतना गंदा कर रहे थे ये लोग मेरे साथ। बट होटल की सर्विसेज अच्छी थी इसलिए ज्यादा कुछ कहने का मन नहीं किया। बनते हुए दिख रहा था तो दिल को ठंडक पा गई। और हर जगह एक ही चीज खाती हूँ शुरू से लेके अंत तक। पहले मसाला पापड़, फिर बिरयानी, नहीं फिर सूप, फिर बिरयानी और फिर कुछ नहीं था। अगर भोपाल को मुझे रेटिंग देनी हो खाने के मामले में तो मैं 5 में से 4.5 दूंगी, क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी था दोस्तों। और वो इतु इतु सा ला रहे थे, मैंने तो सोचा कि ज्यादा लाए ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता नहीं मेरा पेट अंधा कुआं है। हालांकि मेरा पेट भर गया पता नहीं कैसे, क्योंकि वैरायटी ऑफ चीजें खाने डालते हुए उसके हाथ कांप रहे थे कि अब रोकेगी तब रोकेगी, लेकिन मैंने तो उसे रोका ही नहीं। और आखिर में उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, तब मैंने रोका। पहले तो जज करती हूँ कि मेरे से अच्छा तो नहीं बना दिया कहीं। मैं चाहती तो यही हूँ कि अच्छा हो, लेकिन मेरी बिरयानी हमेशा जीतती है। और ये जो आइसक्रीम आई है ये किसी की जगह आई है, मतलब मैंने रस मलाई ऑर्डर करी लेकिन इनके पास थी नहीं। जब नहीं है तो कुछ तो खाऊंगी ठंडे में, इसीलिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगाई। मैंने एक स्कूप हस्बैंड को भी दे दिया था कि अब भी खा लो क्या याद रखोगे। और इतना सारा खा लेने के बाद हम लोग जाके सो गए थे और उसके बाद शाम को उठे और घूमने निकल गए। मैं सच बता रही हूँ इसके बाद का तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ रिकॉर्ड करूं, इसीलिए आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।